में लोग जुड़े हैं, विश्व में जुड़े हैं। तुलसी या संसार में भात भात के लोग, कछु मानस कछु देवता कछु ढोर के ढोर। इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाह रहे, हमसे जुड़े हुए लोग, चाहे वो मंडल हो, सेवादार हो अथवा सहयोगी गण हो, देखो भैया उन सब विषयों को हमसे ना जोड़ा जाए, हमारा विषय हमसे ही जोड़ा जाए, किसी दूसरे का विषय हमसे ना जोड़ा जाए, क्योंकि इससे जो है मन में हमारे ठीक नहीं लगता है। दुनिया है अपने अपने हिसाब से जीती है, सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन भैया दुनिया के लोग नाना प्रकार के होते हैं। हम आपको गारंटी देकर कहते हैं, हमारे द्वारा ऐसी कोई भूल या कृत्य नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया वाले और न्यूज चल पोस्ट चलाने वाले लोग हैं, वो कान खोलकर सुन लो, कुछ भी डालो कुछ भी करो, पर हमसे ना जोड़ा जाए, हमारा विषय ही हमसे जोड़ा जाए, हमसे जुड़े हुए लोगों का हमसे ना जोड़ा जाए, क्योंकि ऐसी तो दुनिया है और हम तो सबसे जुड़े हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम हमारी डाल दो, बागेश्वर बाबा ने ये कर दिया, अब क्या क्या भारत में अब यूक्रेन और रूस का जब युद्ध हो रहा है तो क्या हमारे कारण हो रहा है? तो आज की कथा का सूत्र राजस्थान के पागल अपनी जिंदगी में नोट कर लेना, काम आएगा। बातों के बादशाह मत बनो, बातों के बादशाह बनने से काम नहीं चलेगा, आचरण के आचार्य बनो। अरे इससे कुछ नहीं होना, आचरण उतारो, आचरण के आचार्य बनो, अगर आचरण उतारो सकते हैं अटरी के बरे न कटा। सुग्रीव कहां गए? नहीं गए, सुग्रीव के पास हनुमान जी लेकर गए राम जी को, सुग्रीव नहीं गए राम जी के पास, लेकर गए हनुमान जी कहां, कंधों पर बैठा करके, और विभीषण जी पकड़ा करके बुला दिया, महाराज मिल लो, कौन है? रावण का भाई है, दुश्मन का भाई है, भेद लेने पठवा दस सीसा, हो सकता दुश्मन ने भेद लेने के लिए भेजा हो, मत मित्रता करवाओ। हनुमान जी बोले आगे राम जी की इच्छा, हमारा काम है सपोर्ट लगाना, राम जी के दास हो जाओगे, हनुमान जी के उपासक पुजारी, हनुमान जी की साधना करोगे, हनुमान जी के नाम के जब आपको गुरु नानक जी ने भी कहा, नानक देव कहते हैं चढ़त राम पिबत राम रस चढ़त कुमारी, इसको खुमारी कहा। तुलसी इतनी मत्ती पर पहुंचता है तो गायक अपने सुर में इतना मदमस्त हो जाता है, उसे ये ध्यान नहीं रहता कि वो बाथरूम में गा रहा है कि रोड पर गा रहा है। जब कलाकार पेंटिंग बनाता है और वो जब पेंटिंग बनाते बनाते डूब जाता है तो वो ये भूल जाता है कि उसने पानी कब से नहीं पिया और भोजन कब से नहीं किया। जब वो मस्त हो, भक्त को भगवान की भक्ति में, उपासक को उपास्य की भक्ति में, पूजक को पूज्य की भक्ति में, शिष्य को गुरु की भक्ति में, पुत्र को पिता की भक्ति में।